corporate entities. There's one holding company, which is basically kind of like a network organization. There's a generation company, jo sirf generation ka kaam dekhti hai. Char discoms hain, alag-alag parts of Gujarat ke liye. Aur ek entity hai, jo sirf training aur capacity building pe focus karti hai, jo Baroda mein based hai. Electricity regulator hai, jisko kafi autonomy hai. Discoms ke heads, electrical engineers jo promote hoke managing directors bane, wo sab ko hata ke IAS, IFS, IRS officers ko wahan pe bithaya gaya. Har discom ke offices mein major investments hue, offices refurbished kiye gaye, sare staff ko uniforms diye gaye. Ek har nayi entity ke liye ek identity create karne ki koshish ki gayi taki staff mein zyada motivation hoye kaam karne ke liye. Feeder level metering ki gayi, more recently HVDS kiya ja raha hai, jisse high tension wire mein mostly electricity distribute ki ja rahi hai, jisse hooking almost impossible ho jata hai. Intensive training aur capacity building mein investments kiye gaye. Aur agar aap rehte Gujarat mein pehle aur abhi, और कोई भी कंप्लेंट हो और जीबी को आप फ़ोन करके बात करें तो यू विल सी द चेंज. देर इज़ डेफिनेटली मच मोर कस्टमर ओरिएंटेशन. आई डोंट नो हाउ ओनली ट्रेनिंग कुड अचीव इट. देर मस्ट हैव बीन सेवरल अदर थिंग्स वी हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हाउ डिड जीबी एक्चुअली टर्न अराउंड. देर वॉज ऑल्सो इंटेंसिव मॉनिटरिंग. जीबी को पहले से ही पता था कि कौन कौन से गाँव में ज़्यादा चोरी हो रही है. एक इलेक्ट्रिसिटी पुलिस स्टेशन इस्टेब्लिश किए गए और एक्चुअली जस्ट टू सेट एन एग्जाम्पल एक दिन के अंदर आई थिंक 1,00,000 लोगों को फाइन किया गया और समथिंग लाइक दैट विच वॉज अ वेरी अनपॉपुलर मूव फ्रॉम अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट. फिर भी ऐसा किया गया एंड देर वॉज फुल पॉलिटिकल विल बिहाइंड दिस मूव. टोटल सब्सिडी बर्डन जो था गुजरात का वो 2004 के लेवल पे फ्रीज कर दिया गया और फिर डिस्कॉम्स को कहा गया कि आपको इसी लेवल में मैनेज करना है. अगले साल से ये पहले क्या होता था कि वो डिस्कॉम जीईबी गवर्नमेंट को बताता था कि इस साल हमारा इतना बिजली फार्मर्स ने यूज़ किया उसके अगेंस्ट उनको सब्सिडी मिलता था. अभी 2004 के लेवल पर उनको उसको फ्रीज कर दिया गया कि इससे अगर ज़्यादा बड़ा आपका सब्सिडी लॉस तो वो आपको खुद से मैनेज करना पड़ेगा. क्रॉस सब्सिडाइजेशन कीजिए जो भी कीजिए. और डिस्कॉम्स हैव ऑल्सो रिस्पॉन्डेड. फॉर एग्जाम्पल जो नॉर्थ गुजरात का डिस्कॉम है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का लोड बहुत ज़्यादा है. 45% के करीब एग्रीकल्चर लोड है. सो दे हैव हैड टू टेक सीवियर स्टेप्स टू मैनेज देयर लॉसेस. लोड मैनेजमेंट किया है उन्होंने विच इज़ अभी ऐसा सिचुएशन आ गया है कि नाउ दी यू जी वी सी एल एम डी सेज दैट अगर फार्मर्स नहीं हों तो मेरा लोड मैनेजमेंट फैक्टर बहुत ड्रॉप कर जाएगा और फार्मर्स की वजह से ही मेरा प्रॉफिटेबिलिटी अभी हाई है. इम्पैक्ट क्या हुआ है प्योरली इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. देर वॉज मे बी 12 to 13 hours ऑफ पावर सप्लाई अवेलेबल इन द विलेजेस फॉर द डोमेस्टिक सेक्टर. नाउ देर इज 24 hours. 8 hours of uninterrupted supply for the farmers. Earlier it was very variable voltage, frequent tripping and at unknown times. Flat rate has been increased. 350 se 500 रुपये पर एच पी पहले फ्लैट रेट था, अभी 850 पर एच पी पर ईयर कर दिया गया है. ऑल न्यू कनेक्शंस आर मीटर्ड. अभी आपको नया कनेक्शन लेना है तो आप फ्लैट रेट कनेक्शन नहीं ले सकते हैं, वो मीटर पर ही मिलेगा. इनफैक्ट देर वॉज ऑल्सो स्कीम बीच में कि हर नया आपको नया कनेक्शन ज़्यादा जल्दी मिलेगा अगर आप साथ में उसके ड्रिप भी लेते हैं तो. सो दैट वॉज ऑल्सो डन बाई द गवर्नमेंट. जो कैपेसिटर्स या फेस स्प्लिटर्स का यूज़ था वो अभी मोर और लेस बंद हो गया है. जहाँ पे लोगों का खेत गांव के पास ही है वो अभी भी ऐसा यूज़ कर सकते हैं लेकिन वो बहुत कम केसेस है. जो नॉन फार्म यूज़र्स हैं उनके लिए बहुत फ़ायदा हुआ है, उनको अभी 24 घंटे बिजली मिलता है.
मोटर बर्नआउट इंडस्ट्री मोर और लेस बंद हो गया है. जो रिवाइंडिंग इंडस्ट्री गुजरात में था, दैट इज नो मोर. सो अगर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को देखें तो रूरल हाउसवाइज डोमेस्टिक यूजर्स हैव गेन्ड इन अ बिग वे. सबसे ज़्यादा उनको फ़ायदा हुआ है घरों में 24 घंटे बिजली मिलने का. स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेशेंट्स, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स में अब 24 घंटे बिजली है, उनका फ़ायदा हुआ है. जो नॉन फार्म ट्रेड्स हैं, शॉप्स, कॉटेज इंडस्ट्रीज, राइस मिल्स, डेयरी कोऑपरेटिव्स, बैंक्स, जितने भी कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस हैं गांव में, उन सबको बहुत फ़ायदा हुआ है. पंप रिपेयर इंडस्ट्री इज़ मोर और लेस वाइप्ड आउट, वो पूरा इंडस्ट्री ही बंद हो गया है. ट्यूबवेल ओनर्स इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ पावर सप्लाई, उनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ है. क्वांटिटी ऑफ पावर सप्लाई अभी कम हो गया है. वाटर सेलिंग हैज़ ऑल्सो गॉन डाउन बिकॉज नाउ दे के नॉट रन देयर मोटर्स वेन एवर दे वॉन्ट यूजिंग द फेस स्प्लिटर्स. सो दे गेट वेरी लिमिटेड सप्लाई ऑफ पावर, बट वेन एवर दे गेट पावर इट इज प्री अनाउंस्ड एंड इट इज़ हाई क्वालिटी पावर. सो देर इज सम नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन वाटर बायर्स एंड लैंडलेस लेबरर्स. बट 2004 में ये स्कीम हुआ, लेकिन 2006-07 तक कोई भी नया कनेक्शन नहीं इशू किया गया. उसके बाद देवर अबाउट 1 lakh और 10 lakh न्यू कनेक्शन इशूड, एंड द फोकस वॉज ऑन गिविंग दीज न्यू कनेक्शन टू स्मॉल फार्मर्स जस्ट टू बैलेंस आउट दिस नेगेटिव इम्पैक्ट. ग्राउंड वाटर इरीगेटेड एरिया इनिशियली वेंट डाउन अ बिट, बट देन केम बैक टू द ओरिजिनल लेवल्स. Partly it could also be because there was, after 2004, also a series of good rainfall years. So I think this is what I just, in terms of the productivity of power use was enhanced because the quality had improved. And also in the case of an election year or a drought year, जो 8 घंटे पानी बिजली देने का था, अगर किसी साल में ड्राउट होता था किसी एरिया में तो 10 घंटे कर देता था क्योंकि डिमांड वुड हैव बीन मोर इन ड्राउट ईयर्स. इलेक्शन ईयर में जनरली दिस वाज आल्सो यूज्ड एज अ पॉलिटिकल टूल. गुजरात के अलावा और क्या हो रहा है? टेम्प्रेरी फार्म पावर कनेक्शंस जो हमने बात की थी, ये 3 सीजन्स हैं. हम एमपी का एग्जांपल ले रहे हैं. मानसून सीजन में रेनफेड सोयाबीन होता है, विंटर सीजन उनका पीक एग्रीकल्चर सीजन होता है, इरिगेटेड वीट या ग्राम उगाया जाता है, और समर सीजन में छोटा मोटा वेजिटेबल्स का कल्टीवेशन होता है. तो सप्लाई कॉन्स्टेंटली 10 आवर्स थ्रू आउट द ईयर है, लेकिन उनका डिमांड कुछ इस तरह से होता है. और क्योंकि ये 10 आवर्स पावर सप्लाई पुअर क्वालिटी होता है तो इफेक्टिवली ये पावर सप्लाई ऐसा रहता है, क्योंकि जब पीक डिमांड होता है तो बहुत ज़्यादा बर्नआउट होता है, बहुत ज़्यादा पावर कट्स होते हैं. तो इफेक्टिवली जब उनको सबसे ज़्यादा पावर चाहिए होता है तो उनको सबसे कम पावर मिलता है, और जब उनको नहीं चाहिए होता है तो ज़्यादा बिजली अवेलेबल होता है. तो जहाँ पे उनको ज़्यादा बिजली अवेलेबल है जब उनको नहीं चाहिए, दैट इज़ बेसिकली वेस्टेड पावर सप्लाई, और जहाँ पे उनको अवेलेबल नहीं है, दैट लीड्स टू what Tushar has called feeder level anarchy, frustrated farmer, as well as a electricity utility that is in losses. तो इसके अलावा ईमी ने जो सजेस्ट किया था वो स्मार्ट रैशनिंग था, लेकिन एमपी हैज़ फाउंड इट्स ओन सोल्यूशन. एमपी में उन्होंने क्या किया है कि इस पीक सीजन में दे हैव स्टार्टेड गिविंग आउट टेम्प्ररी पावर कनेक्शंस. सो यू कैन गेट अ पावर कनेक्शन फॉर 3 मंथ्स ओनली, 90-day temporary power connection where you pay at near commercial rates in advance. So farmers getting free power or subsidized power is not an issue here. The farmers are paying near commercial rates. They are paying for the electricity in advance, and they have given out more than 1 million such temporary connections last year. And this is probably one of the reasons leading to the bumper wheat crop in MP in the recent years. So states are experimenting. MP, West Bengal has also given some temporary connections in recent years.
वेस्ट बंगाल इज ऑल्सो हैड अ मेजर ड्राइव टू इलेक्ट्रीफाई विलेजेस और स्पेसिफिकली फार्म कनेक्शंस. दे हैव रिवोक द स्विट परमिट. वेस्ट बंगाल में एक नया एग्रीकल्चर कनेक्शन लेने के लिए आपको एक परमिट लेना पड़ता था ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट से कि आपकी आपके नए कनेक्शन की वजह से ग्राउंड वाटर डिप्लीशन नहीं होगा. और ये हर पूरे वेस्ट पूरे स्टेट में फार्मर्स को लेना पड़ता था और इसकी वजह से एक तो ये करप्शन का इशू बन गया था और इसकी वजह से ज़्यादा कनेक्शंस भी नहीं इशू हो रहे थे. तो जो सेफ ब्लॉक्स हैं वेस्ट बंगाल के अब जो CGWB का डेफिनेशन है उसके हिसाब से जहाँ पे ग्राउंड वाटर डिप्लीशन इज़ नॉट अ प्रॉब्लम वहाँ पे स्विट परमिट की अब ज़रूरत नहीं है. उससे काफ़ी ज़्यादा नए कनेक्शन आ गए हैं. HVDS काफ़ी स्टेट्स में हो रहा है. ऐसी एक चर्चा है अभी इट्स नॉट अ फॉर्मल पॉलिसी कि फार्म कस्टमर्स के बीच में भी डिफ्रेंसिएशन होगा. अभी ज्योतिग्राम में क्या हो रहा है कि यू गेट 8 or 10 hours ऑफ पावर सप्लाई हाई क्वालिटी बट उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलता है. तो जो बड़े किसान हैं उनको ये पावर पूरा नहीं पड़ता है. अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है तो इतने में आप पूरा नहीं खेती कर सकते हैं. तो उनके लिए ऐसा अभी हम सुनने में आया है कि उनके लिए एक स्पेशल स्कीम होगा. जो करंट लेवल है वो सब्सिडाइज लेवल पे ही रहेगा. 8 hours पावर सप्लाई सबको सब्सिडाइज रेट पे ही मिलेगा. लेकिन अगर आपको इससे ज़्यादा पावर चाहिए तो आप कमर्शियल रेट्स पे करके ज़्यादा पावर ले सकते हैं. इसके अलावा लोग भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सोलर इरिगेशन. इसके ऊपर अभी हमारे वर्कशॉप में एक पूरा सेशन हुआ था. सोलर इरिगेशन इज़ बिकमिंग पॉपुलर इन बिहार इन राजस्थान वेयर गवर्नमेंट इज़ गिविंग 87% सब्सिडी ऑन सोलर पंप्स. सो दिस विल बी ग्रीन एनर्जी बट इफ सोलर इरिगेशन बिकम्स एज पॉपुलर एज सम ऑफ अस होप और इवन फियर देन द स्टेट विल लूज द ओनली हैंडल ऑन ग्राउंड वाटर इरिगेशन दे हैव राइट नाउ. सो दैट इज पॉसिबली अ डेंजरस फ्यूचर फॉर ग्राउंड वाटर इरीगेशन एंड फॉर एनर्जी इरीगेशन एक्सेस. कोलंबिया यूनिवर्सिटी इज एक्सपेरिमेंटिंग इन नॉर्थ गुजरात. वो लोग फार्मर्स को पैसे देने के कोशिश कर रहे हैं. जितना आपका इलेक्ट्रिसिटी यूज़ है साल का पिछले साल का उससे अगर आप कम यूज़ करते हैं इस साल तो जितना आपने यूनिट बचाए उस पर हर यूनिट पर आपको पैसे देंगे. ऐसा वो एक एक्सपेरिमेंट नॉर्थ गुजरात में ट्राई कर रहे हैं. लेकिन उसमें मेजर इशू एंटाइटलमेंट फिक्सिंग का है और मॉनिटरिंग का है. इसके अलावा ईमी में ही एनर्जी इरिगेशन एक्सेस पे एक सिमुलेशन गेम डेवलप किया गया जो हमने स्टूडेंट्स के साथ इरमा के स्टूडेंट्स के साथ पंजाब में संगरूर में फार्मर्स के साथ और पंजाब और बेंगलोर में इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी के ऑफिशियल्स के साथ उसको रन किया. बेसिकली उस पूरे गेम का ऑब्जेक्टिव यही था कि डिफरेंट राउंड में हम डिफरेंट पावर टैरिफ्स पावर पॉलिसीज़ ट्राई आउट करें और ये समझने की कोशिश करें कि अलग अलग पॉलिसीज़ का गांव की खेती पे और किसानों पे क्या इम्पैक्ट होगा और किसानों का क्या रिस्पांस होगा अलग अलग पॉलिसीज़ पे. This is a slide that Tushar presented in his presentation at the annual partners meet. So this is, if you see from 1970s to 2010, this is roughly how electricity subsidy has grown. Agriculture production has also grown because of the subsidy. The total groundwater use in irrigation has also increased and the number of electric tube wells has also increased. So everything has been growing more or less at a uniform pace in the last 5 decades. If farm power subsidies are abolished today, suddenly if the government of India decides ki pure desh mein kisanon ko farm power subsidy nahi diya jayega, to uska kya impact hoga? Electricity subsidy will obviously reduce significantly, but so will groundwater use. बिकॉज विदाउट द सब्सिडी इतना ग्राउंड वाटर यूज़ करना इज जस्ट नॉट इकोनॉमिकली फीजिबल एंड द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल ऑल्सो फॉल सिग्निफिकेंटली एंड दैट विल हैव लाइवलीहुड इम्पैक्ट ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स. बट
ये एक इमीडिएट पेन की तरह होगा, लेकिन 7 to 10 years में वी कैन एक्सपेक्ट दैट द एग्रीकल्चर इकोनॉमी विल बाउंस बैक, ग्राउंड वाटर यूज विल अगेन इंक्रीज. दिस वन वे ऑफ डूइंग दिस कुड बी टू स्टार्ट यूजिंग सोलर इरीगेशन पम्प्स. दे कुड बिकम मोर पॉपुलर. फार्मर्स विल फाइंड अ वे टू डिग अप ग्राउंड वाटर एंड देयरफॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल स्टार्ट ग्रोइंग बैक. So subsidy withdrawal will be painful and it will be very difficult in a democracy or a democratically elected government to do it will be very difficult. So broadly, if you look at the whole energy irrigation nexus, we have to look at several aspects when we talk about farm power reforms. एक उसका साइड है कि वाटर, ये जो इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटीज़ हैं उनका परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव किया जाए, ग्राउंड वाटर सस्टेनेबिलिटी को कैसे मैनेज किया जाए, एग्रीकल्चर ग्रोथ को कैसे मैनेज किया जाए विदाउट अफेक्टिंग इट इन टू मच ऑफ अ नेगेटिव वे, रूरल लाइफ के क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए जैसे गुजरात में अभी ज्योतिग्राम के बाद हुआ है, और रूरल इकोनॉमी को कैसे सेव किया जाए इन स्पाइट ऑफ हैविंग सम सॉर्ट ऑफ कंट्रोल over the electricity utility. And there is huge political dividend if any government, any state government can manage to successfully implement farm power reforms.